हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके व्हीकल की पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है या फिर फेल्ड हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप अपने व्हीकल पर पुरानी पेमेंट को चेक करना चाहते हो कि कब कितनी पेमेंट कटी है, तो उसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के। जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पर आ जाओगे, और उसके बाद आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद अदर स्टेट पर, दिल्ली एंड सिक्किम में करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, अदर स्टेट में करना चाहते हैं अदर स्टेट पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे अदर स्टेट पे आप क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन आप होकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, कर्सर ले जाना है। अब आपको पेंडिंग ट्रांजैक्शन देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन में फील्ड भी हो जाता था, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और लास्ट की चेसिस की 5 डिजिट डालनी है, और शो डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके गाड़ी का नंबर आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, और शो 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 पर क्लिक कीजिएगा, और वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, तो वो उसमें जो पेंडिंग है वो उसमें से निकल जाएगा। लेकिन इसका जो टाइम होता है वो दोस्तों 1 घंटा टाइम होता है, 1 घंटे आपको वेट करना होगा। जब आप वहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो उसमें दिखा भी देगा कि 1 घंटा वेट कीजिए, ठीक है ना। वो आपको वेट करना है, फिर दोबारा से ट्राई करना है। तो इस तरीके से आप पेंडिंग को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप पुरानी पेमेंट चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नो योर पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक टैब ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 4 तरीके से पेमेंट, अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हो, जितनी पेमेंट कटी है उन सबको चेक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू, अगर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो पेमेंट आईडी के थ्रू कर सकते हो, या बैंक रेफरेंस के थ्रू कर सकते हो। और अगर ये सब आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी नंबर है, तो वो आप गाड़ी नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे एक इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, कब कब कितनी पेमेंट कटी है। इसमें देख सकते हैं 2018 में कटी है, 2019 में कटी है, 2020 में कटी है, जो मैंने अपने गाड़ी का नंबर डाला है, तो उसकी सारी डिटेल्स इसमें दिख गई है। इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों। अगर आपके चालान चालान पे में पेंडिंग में है आपकी पेमेंट, तो उसमें आपको क्या करना होगा, वेरीफाई वेरीफाई पर क्लिक करते चले जाइएगा। अगर चालान वाली पेमेंट पेंडिंग में है आपके व्हीकल की, तो आपको वेरीफाई वेरीफाई पर क्लिक करते चले जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें पे नाउ का दिखा देगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या व्हीकल रिलेटेड और कोई आपकी प्रॉब्लम हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या जो जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई उनके रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और जुड़ना चाहते हैं ऐसी ही वीडियो पाने के लिए रेगुलर हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।